भारत को चैंपियन बनते देखकर इंग्लैंड क्रिकेट दिग्गजों को लगी जमकर मिर्ची। भारत पर लगाए बेईमानी के आरोप। आखिर कैसे कोई टीम अनबीटेबल अनस्टॉपेबल वर्ल्ड कप चैंपियन बन सकती है, ये देखकर इंग्लैंड क्रिकेट जगत हैरान रह गया। तो जी हां, T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय क्रिकेट टीम अनबीटेबल यानी एक भी मुकाबला नहीं हारी और T20 वर्ल्ड कप को अपने नाम करती है। क्रिकेट इतिहास में T20 वर्ल्ड कप के ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई टीम अनबीटेबल चैंपियन बन पाई हो। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने बारबाडोज में जो किया, 10 साल के सूखे को खत्म किया है भारत के उस ICC ट्रॉफी को। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के दिग्गज इसीलिए भी हैरान है क्योंकि सेमीफाइनल में आपने इंग्लैंड को हराया था, रोना रोया था। उन्होंने कहा कि भारत ने पिच अपने हिसाब से बनवाई थी सेमीफाइनल मुकाबले में और पिच भारत को स्पिन की मददगार मिल गई थी, इसीलिए भारत वो सेमीफाइनल का मुकाबला फाइनल में भारत साउथ अफ्रीका से हारेगा। लेकिन फाइनल में ना तो पिच स्पिनर के मुफीद थी और ना ही भारत उस मुकाबले की ड्राइविंग सीट पर था, बावजूद उसके भी उस मुकाबले को जीता। तो अब इंग्लैंड दिग्गज फिर भारत पर बेईमानी के आरोप लगा रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कैसे भारत को चैंपियन बनते देख इंग्लैंड दिग्गजों को मिर्ची लगी। खिंचाई कर रहे थे, भारत पर बेईमानी के आरोप लगा रहे थे, अब इनके क्या बयान है? क्या अभी भी बेईमानी के आरोप लगा रहे हैं या इनके सुर बदल चुके हैं? वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे सब कुछ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं इंडियन क्रिकेट टीम के बहुत बड़े फैन और जीत से खुश, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, आपका कुछ नहीं जाएगा, हमें एप्रिसिएशन मिलेगा, हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अरे कम से कम इंडिया की जीत की खुशी में ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्रिकेट अपडेट मिलेगी आपको। और कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस मुकाबले का सबसे बड़ा मोमेंट आपको क्या लगा या मैन ऑफ द मैच आप किस खिलाड़ी को देना चाहते हैं। तो जी हां, भारत बनाम साउथ अफ्रीका का फाइनल मुकाबला, एक ऐसा मुकाबला जिसने रोमांचकता की सारी हदें पार कर दी। 30 बॉल पर 30 रन साउथ अफ्रीका को बनाने थे, उनके दिग्गज बल्लेबाज हेनरिक क्लासन डेविड मिलर पिच पर थे, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं न कहीं साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम इस मुकाबले में पीछे रह गई और जिसकी वजह से ही तो तमाम दिग्गजों को मिर्ची लग रही है कि आखिर कैसे भारत जो मुकाबला 90% हार चुका था वो मुकाबला जीत गया। तो अब इंग्लैंड की तरफ से क्या वो मिर्ची वाले बयान आ रहे हैं वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले जाने साउथ अफ्रीका के कप्तान ने किस तरह से स्वीकार किया कि उन्हें हार मिली है। जी हां, साउथ अफ्रीका के लिए सफर बहुत ही अनोखा रहा है, फाइनल में पहली बार जगह बनाई है। हार के बाद मार्करम ने कहा, इस हार से बहुत अधिक निराश हूं। वास्तव में मैं बेहतरीन अभियान के बाद काफी दुखी हुआ, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो काफी गर्व भी हो रहा है। हमने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन ये एक ऐसा टारगेट था जिसे हासिल किया जा सकता था, मतलब साफ तौर पर भारत को वो टारगेट पर रोकने से तो बहुत खुश थे। उन्होंने कहा, अच्छी बल्लेबाजी की, अंत तक टिके रहे, लेकिन लक्ष्य को हासिल नहीं कर सके। आखिरी गेंद तक मैच कभी खत्म नहीं होता है। साउथ अफ्रीका खिलाड़ी बहुत अधिक प्रतिस्पर्धी है, सम्माननीय है, और हम लड़कर हारे हैं, जिससे मुझे इस टीम पर नाज है, ये कहना है मार्करम का। उन्होंने कहा, भारत को हराने के लिए हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन वैसा हो न सका। शायद ये वो दिन उनका था, उस दिन उन्होंने हमसे बहुत बेहतरीन खेल दिखाया और हम फिनिशिंग के मामले में पीछे रह गए। भारत से मिली हार के बाद साउथ अफ्रीका के इस दिग्गज डेल स्टेन ने अब शब्दों का इस्तेमाल किया और ऐसा गंदा रिएक्शन दिया जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। भारत के प्रति तो नहीं, लेकिन अपने प्रति सही। इस डेल स्टेन ने कुछ सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया और जिसमें लिखा, डैश दिस इज टफ हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी, या फिर अपने लिए ये हार्ट ब्रेकिंग रहा है, मतलब ये शब्दों की लांछन की मर्यादा को लांग। अब डेल स्टेन का ये रिएक्शंस कहीं ना कहीं उनकी फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकाल रहा है, क्योंकि इस मुकाबले से पहले वो इस बात को स्वीकार कर चुके थे कि आज मेरा जन्मदिन है और मेरे जन्मदिन पर मेरी बड़ी टीम मुझको बड़ा तोहफा देगी, लेकिन वैसा हो न सका। उनका जन्मदिन ही उनके लिए हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट लेकर आया है। कहीं ना कहीं डेल स्टेन काफी निराश थे। अब इंग्लैंड दिग्गजों को भी मिर्ची लगी है भारत से। उसे बताने से पहले बता दूं कि इजमाम उलक पाकिस्तान के रोहित शर्मा को ऐसा बयान दिया कि देखकर हर भारतीय हैरान है, मतलब क्रिकेट फैंस को विश्वास नहीं हो रहा है कि इजमाम भाई आपने ऐसा क्या कर लिया कि आप हम पर ऐसे बयान दे रहे हैं। मामला कुछ ऐसा है ना कि इजमाम उलक ने कुछ अर्से पहले भारत पर बेईमानी के आरोप लगाए,
बॉल टैंपरिंग के आरोप लगाए, कहा कि एम्पायर को बॉल चेक करना चाहिए। 15वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अर्शदीप सिंह को रिवर्स स्विंग कैसे मिल गया, जिसके जवाब में कप्तान रोहित शर्मा ने उन्हें बहुत बड़ी फटकार लगाई, कहा कि इजमाम भाई अपना दिमाग खोलो। रोहित ने कहा था कि मैं इस बारे में क्या जवाब दूं, विकेट इतने सूखे थे कि आप धूप वाले मौसम में खेल रहे हैं तो रिवर्स स्विंग मिल जाती है, आपको दिमाग खोलने की जरूरत है, इजमाम इलक को सोचने की जरूरत है, अपने दिमाग का ढक्कन खोलने की जरूरत है। रोहित शर्मा के बयान से साफ था ये कि वो इजमाम को मतलब दिमाग खोलने की के लिए कह रहे थे। अब इजमाम ने उस पर फिर पलटवार किया है और रोहित शर्मा को कहा है कि वो मुझे रिवर्स स्विंग मत सिखाओ। रोहित शर्मा, हमने विश्व क्रिकेट को ये रिवर्स स्विंग दिया है तो आप हमें ही मत सिखाओ। हाँ, मतलब इजमाम ऐसे ही कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि दिमाग तो हम जरूर खोलेंगे अपना रोहित। पहली बात तो यह है कि रोहित ने यह स्वीकार किया कि रिवर्स स्विंग हो रही थी, इसका मतलब हमने जो देखा वो सही था। दूसरी बात, रोहित शर्मा को हमें ये बताने की जरूरत नहीं कि रिवर्स स्विंग किस तरह से होता है, कितनी धूप में होता है, किस पिच पर होता है। जो सिखाने वाले हैं उनको ये चीज नहीं सिखाते रोहित शर्मा, हम सिखाने वाले हैं और तुम हमको ही सिखा रहे हो। उन्होंने कहा कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को कुछ नहीं सिखा सकते जिसने वास्तव में इस दुनिया को सिखाया हो, उसे बताया हो कि ऐसा बातें करना सही नहीं है, इजमाम ने कहा। अब देखिए, मुझे इजमाम पर तो हंसी आ रही है, अब ऐसे बेतुके बयानों का क्या जवाब दें। रोहित ने ऐसे लोगों को जवाब देकर उन पर एहसान कर दिया कि वो चर्चा में हैं, अदरवाइज उन्हें कौन पूछता। लेकिन खैर, अब बात करते हैं इंग्लैंड दिग्गजों की। देखिए, माइकल वॉन बड़बोले बयान के लिए जाने जाते हैं। माइकल वॉन ने भारत के प्रति ऐसे ऐसे बयान दिए हैं जिसे देखकर हर भारत का खून खौल उठता है, क्योंकि माइकल वॉन ने एक वक्त में सेमीफाइनल में जब पिछली बार भारत हारा था तो एक बयान दिया था कि भारतीय क्रिकेट टीम को ये इंग्लैंड क्रिकेट टीम से सीखना चाहिए, इंग्लैंड से रिक्वेस्ट करनी चाहिए और कहना चाहिए कि हमें सिखाइए कि ये वर्ल्ड चैंपियन कैसे बनते हैं। हाँ, मतलब माइकल वॉन का कहना था कि भारत को अपना घमंड, अपना ईगो साइड में करके इंग्लैंड से सीखना चाहिए कि वर्ल्ड कप कैसे जीते जाते हैं। लेकिन जब माइकल वॉन की टीम सेमीफाइनल में इस बार हार गई तो इन्होंने पिच का रोना रोना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि भारत के लिए पिच मुफीद बनाया गया, स्पिनर को मदद मिल गई, अगर हम त्रिनिदाद में खेलते तो शायद हम सेमीफाइनल जीत जाते और फिर फाइनल में होते और फाइनल में भारत से सामना कर लेते, लेकिन वो अपनी हार को स्वीकार करने के लिए कतई तैयार नहीं है। माइकल वॉन बेतुके बयान देते हैं। इसके बाद माइकल वॉन ने भारत पर, आईसीसी पर कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिस पर ऑस्ट्रेलिया के एडम गिलक्रिस्ट ने भी सहमति जताई है। एक पॉडकास्ट के दरमियान माइकल वॉन और एडम गिलक्रिस्ट दोनों साथ थे तो माइकल वॉन ने कहा, देखिए, ये आईसीसी ने ये वर्ल्ड कप इंडिया के लिए ही रखा है, इंडिया जब चाहता है मुकाबला खेलता है, जिस पिच पर चाहता है तब खेलता है, कितने बजे खेलता है ताकि उनके क्रिकेट फैंस देख सके, ये सब कुछ इंडिया की प्लानिंग के मुताबिक तो हो रहा है। ऐसा बायलेटरल सीरीज में होता तो चल जाता, लेकिन आप वर्ल्ड कप जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर इंडिया को विशेष तरीज दे रहे हैं, ये आईसीसी बाकी टीमों के साथ धोखाधड़ी कर रही है और इंडिया और आईसीसी मिलकर बाकी टीमों को बौना साबित कर रहे हैं। क्या रेवेन्यू ज्यादा है वहां से, इसीलिए उन्हें एक विशेष पावर दी जा रही है, ये माइकल वॉन ने कहा। और जिस पर एडम गिलक्रिस्ट ने उनकी हामी में हामी भरी, यानी ऑस्ट्रेलिया के भी वो दिग्गज भारत के इस सक्सेस से खुश नहीं है, उन्होंने भी ये बात को स्वीकार किया। माइकल वॉन अपने बेतुके बयानों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने पिच का रोना रोया कि भारत सेमीफाइनल में इसीलिए जीत गया क्योंकि पिच मुफीद मिल गया। उन्होंने कहा, फाइनल में भारत नहीं जीतेगा क्योंकि पिच मुफीद मिलेगा नहीं। लेकिन वैसा कुछ हुआ जिसे माइकल वॉन को अपने बयान बदलने पड़ गए। माइकल वॉन ने अब पूरी तरह से अपने बयान से वापसी कर ली है। अब माइकल वॉन क्या कह रहे हैं भारत की जीत के बाद। माइकल वॉन ने कहा, देखिए, भारत के हाथ एक ट्रॉफी लग चुकी है और जैसा मैंने पहले कहा कि अगर भारत इस साल ये वर्ल्ड कप का सपना पूरा कर लेता है तो वे लगातार ट्रॉफी जीतेंगे। जिस तरह से एक शेर के मुंह खून लग जाता है तो उसी तरह से भारत के ये हाथ एक ट्रॉफी लग गई है और अब जब ये एक क्लिक हो गया है तो बहुत सी पीछे ट्रॉफियां भारत का इंतजार कर रही है। इस टीम में बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं, उन्हें ट्रॉफी जीते हुए 10 साल हो गए थे, लेकिन अब एक ये ट्रॉफी आने वाले कई सालों तक भारत के लिए ट्रॉफी लेकर आएगी। उन्होंने एक ट्वीट कर लिखा, इनक्रेडिबल कैश टू विन इंडिया द वर्ल्ड कप, absolutely fantastic final, India have been the best team so truly deserve the win, South Africa have not been the behind tough, brilliant World Cup। उन्होंने फिर जसप्रीत बुमराह को greatest white ball seam bowler बताया है। भाई करो तारीफ, माइकल वॉन आपको मजबूर किया है इन इंडिया वालों ने, आप तो रोना रोते हैं, आप तो भारत पर बेईमानी के आरोप लगाते हैं क्योंकि आप हार गए इसीलिए ना, वरना आप तो पहले कह रहे थे भारत को इंग्लैंड से सीखना चाहिए कि कैसे वर्ल्ड कप जीते जाते हैं, जबकि आपकी इंग्लैंड क्रिकेट टीम वनडे वर्ल्ड कप और इस टी20 वर्ल्ड कप में बहुत बौना साबित हुई है।
इंग्लैंड के एक दिग्गज खिलाड़ी नासिर हुसैन ने भी अपना बयान दिया है। उन्होंने पहले तो विराट कोहली पर कभी शक न करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा, देखिए विराट ने जैसे बल्लेबाजी करी, मुझे लगा कि अगर इंडिया हार गई तो विराट की वजह से, जीत गई तो विराट की वजह से। विराट की वो पारी दोधारी तलवार थी, कुछ भी हो सकता था उस पारी के साथ में, लेकिन जब वो जीत जाती हैं तो वो पारी की अहमियत पता चलती है। और विराट पर कभी भी शक मत करना। उन्होंने रोहित शर्मा की कप्तानी की तारीफ करते हुए कहा कि देखिए, मैं एक कप्तान और एक बल्लेबाज और एक व्यक्ति के रूप में रोहित शर्मा का लंबे समय से प्रशंसक हूं। रोहित शर्मा ने जिस तरह की बल्लेबाजी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करी, एक टेम्पलेट सेट किया, एक कप्तान वहां से इस तरह सीना चान के चलता है, तो फिर ये इंडियन क्रिकेट टीम डिजर्व करती थी ये वर्ल्ड कप जीतना। फिर इंग्लैंड के खिलाफ भी रोहित की शानदार बल्लेबाजी और आज इस मुकाबले में रोहित की कप्तानी ने बौना साबित कर दिया है बाकी सभी टीमों को। इंडिया पहली बार T20 वर्ल्ड कप में अनबीटेबल, कोई भी टीम ऐसा नहीं जीती, वो इंडिया जीत रही है, तो ये टीम डिजर्व करती है। ये माइकल वॉन को स्वीकार करना पड़ा है, उन्हें स्वीकार करना पड़ा है, इंडिया आप डिजर्व करते हैं ये वर्ल्ड कप।